राम राम भाई। सब ने कल की थी भाई मैंने जबरदस्त शॉपिंग, और सबसे पहले तो अब खाना बना लेती हूँ मैं, क्योंकि मम्मी पापा को खाना खाना है, उसके बाद देखते हैं ये मैंने क्या क्या खरीदा। आज बना रही हूँ भाई मैं कढ़ी पकौड़ा, और ये देखो दो बड़े वाली हरी मिर्च भी डालूंगी मैं आज इसमें। कढ़ी मेरी अच्छी तरह से बॉयल होने लगी है, और कढ़ी बनाते हुए भाई एक बात है, कई बार कई लोगों की कढ़ी फट जाती है ना, इसमें कढ़ी में भी ना चमचा एक डायरेक्शन में ही घुमाया जाता है, अगर दोनों डायरेक्शन में हमने उबलने से पहले चमचा घुमा दिया ना तो जो हमारी कढ़ी फट जाएगी। देखो अच्छे से उबाल आ गया कढ़ी में। अब दूसरी साइड जो है मैं पकौड़ों की तैयारी कर लूंगी कढ़ी में डालने के लिए। तेल गरम हो गया मेरा अच्छा, पकोड़े भाई मेरे बनने लगे हैं, पतले पतले आलू काट दिए थे मैंने, और आलू के लिए तो मैं बेसन का घोल भी जो थोड़ा पतला रखती हूँ, मिर्ची के लिए घोल जो है थोड़ा गाढ़ा करूँगी बाद में, क्योंकि आलू तो बन जाएंगे पतले घोल में लेकिन मिर्ची नहीं बन पाएगी। ऐसे करके भाई मैं सारे पकोड़े बना के रेडी कर लूँगी जब तक कढ़ी भी अच्छी बॉयल हो जाएगी। पकोड़े अभी बने ही है भाई, चार मैंने डाल लिए हैं, लड्डू राधा को खिला के आ रही हूँ, इंतजार कर रहा है लड्डू मेरा। देखो भाई मेरा जो मंदिर है वो मेरी किचन के बिल्कुल सामने है, मंदिर का पर्दा मैं लगभग सुबह भी 12 बजे तक खोल के रखती हूँ और फिर शाम को भी 4 बजे खोल देती हूँ। अच्छी वाइब्स आती है ऐसे किचन में काम करते करते, मैं अपने भगवान जी को देखती रहती हूँ, अच्छा लगता है। आलू के पकोड़े बनाने के बाद मैंने अब ये मिर्ची के पकोड़े बना दिए थे, दो बड़ी मोटी मिर्ची के साथ में कढ़ी के साथ कट करके खाने में ऐसे अच्छे लगते हैं ये पकोड़े भी। पानी गर्म करके भाई मैंने इसके अंदर ये बूंदी डिप करके छोड़ दी है, थोड़ी देर में सॉफ्ट हो जाएगी, रायता बनाऊंगी। रायते की तैयारी कर दी है भाई मैंने, बूंदी सॉफ्ट होगी, और छान दी थी ये सीबिया, दही फेंट ली थी, ये भी मैंने इसमें मिला दिया। और भाई वाह है ये कढ़ी बनी है, तो इन बालका के पापा तक खानी ये बुनती फटाफट, ये सूखे आलू छोंक दूंगी मैं। मारे तो कुण में एक मानस ईसा रहे है जो सीत दही नहीं खाता, और इनके पापा ने तो मैंने एक बार जबरदस्ती दही खवाई थी भाई, और इतना बुढ़ा बेगन मचा दिया था उल्टी उल्टी घेर के। मारे तो कुण में जनरेशन में एक बंदा ईसा जरूर हुआ है जो सीत दही नहीं खाता, जेनेटिक चाली आ रही है भैया चीज़ मारे तो कुण में। ज़्यादा कुछ नहीं करूँ भाई मैं इन आलुआ में, उससे कढ़ाई मैं छोंक दूंगी। मैं एक्स्ट्रा तेल मैंने निकाल लिया था, जीरा और मसाले डाल के, हींग वगैरह डाल के सूखे आलू इस कढ़ाई में छोंक दूंगी मैं। ये इस तरह बहुत बढ़िया बन के तैयार हुए हैं, हम चाहे तो बच्चा के लंच बॉक्स में भी इन्हें दे देना, बहुत अच्छे लगे हैं ये बच्चा के लंच बॉक्स में भी, और फटाफट बन जा है, 5-7 मिनट लगे बस बनन में इन्हें। कढ़ी मेरी बन गई थी भाई, बस इसमें ऊपर तड़का लगा दूंगी और पकोड़े इसमें मिला दूंगी। बस अब कढ़ी में मैंने पकोड़े ऐड कर दिए हैं, देखो कितनी बढ़िया मतलब शक्ल की भी कितनी बढ़िया कढ़ी बनी है। बस अब इसमें मैं कुछ नहीं डालूंगी, तेल गर्म हो जाएगा साबुत, दो लाल मिर्च और ये कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च और हींग। देखो भाई अब इसमें कढ़ी में जो है कितना अच्छा कलर आ गया है, कश्मीरी लाल मिर्च डाले थे मतलब अलग सी रंगत सी आ जा है कढ़ी में एक, और कढ़ी बन के ही मेरी पूरी रेडी है। साथ साथ दूध गर्म होने के लिए रख दिया था मैंने, अभी इधर मैं फटाफट से आटा लगा लूंगी, पानी गर्म कर लिया है, आटा मेरा लग के रेडी है, बस रोटी बनाऊंगी बस। देखो भाई आलू इधर मेरे बन के बिल्कुल रेडी है, हम बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं ऐसे फटाफट, और तभी बन जाते हैं ये, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। खाना बन के रेडी था भाई, भोग लगाने के बाद पहले पापा को बुला लिया था, पापा को खाना दे दिया था, फिर मम्मी ने खाना खा लिया था। कल भाई मार्केट से शॉपिंग करके आई थी मैं,
तो मेरे को तो अपनी वो चीजें देखने की एक्साइटमेंट थी, क्योंकि कल रात को भी लेट आए का टाइम था, फिर आज सुबह भी काम में ही निकल गया था। अब जल्दी से ये था कि जल्दी से काम खत्म हो और फटाफट मैं अपने जो सामान लाई हूँ उसको मैं देखूँ। मैंने अपनी किचन के लिए कुछ थोड़े से आइटम खरीदे हैं भाई। अब देखने में तो ये ऐसे लग रहा है जैसे ये बहुत बड़ा ज्वेलरी बॉक्स है, बट नहीं, ये मेरे को बहुत पसंद आया और मैंने ये लिया है। ये है स्पून सेट। अब देखने से तो लग भी नहीं रहा था कि इसमें चम्मच होंगी। इसमें बहुत सारे टाइप की स्पून है भाई। ये छोटी आइसक्रीम स्पून इसके अंदर है, 8-8 का पेयर है इसमें, और इन्होंने इसमें यहाँ बार लगा भी रखे हैं। देखो ये बड़ी बड़े वाली स्पून भी है इसके अंदर। देखो भाई इसके अंदर जो चम्मच है वो कितनी सुंदर है, मतलब यूनिक। डिनर सेट मेरे पास अच्छे अच्छे थे बट स्पून नहीं थी। ये बटर वाले नाइफ भी हैं भाई बहुत सारे इसके अंदर, मतलब एक ही ये बॉक्स खरीदने से बहुत सारी चीज़ें मेरी आ गई हैं। स्पून इसमें कई तरीके की हैं, छोटी बड़ी छोटी बड़ी। ये देखो इसका सेकंड जो पोर्शन है वो ये वाली चम्मच भी है इसमें बड़ी। कुछ भी चीज़ें पकड़ने के लिए उठाने के लिए ये भी है इसके अंदर, एक छोटा है और एक बड़ा है। ये छोटे वाले बटर नाइफ हैं, ये छोटे वाले बटर नाइफ हैं इसके अंदर। एक ये ऐसा फोक भी है भाई बड़े वाला, और इसी के साथ एक ये छोटा भी है। और जो इसका थर्ड कंपार्टमेंट है उसके अंदर भी भाई स्पून है। ये देखो ये बड़ी वाली भी है एक, कुछ भी अपना दाल सब्जी डालने के लिए। एक ये छोटी है इसके अंदर भी है, खाने वाली बड़ी चम्मच भी है भाई, और ये वाली भी है 24 है ये बड़ी चम्मच। एक ये भी है इसके अंदर, कुछ भी चिल्ला कूड़ा उठाने के लिए इजली, मतलब शेप और शाइनिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है चीज़ों की। एक ये और छोटी भी स्पून है भाई इसके अंदर, ये बड़े साइज की स्पून है तो ये छोटी भी है। स्पून ही देख लो भाई आप कितने तरीके की है इसमें। इसको मैं कल लेके आई थी भाई, बच्चों को भी इतना पसंद आया ये छोटे वाली, तो ना 4-5 चम्मच उन्होंने अपने लिए निकाल ली, क्योंकि ये बड़ी तो यूं बोले थोड़ी बड़ी हो जाएंगी। और स्पून देख लो इसमें कितने टाइप की हैं। ये आइसक्रीम स्पून है अलग से, ये बड़े वाली स्पून है, फिर ये वाला जो नॉर्मल साइज है वो वाला है, और एक ये बिल्कुल छोटी है। मुझे तो ये इतनी पसंद आई है तो मेरे लड्डू राधा के भोग में भी यूज़ होएंगी, इतनी अच्छी छोटी छोटी चम्मच है हर एक चीज़ इसमें। ये 12-12 स्पून है, ये वाली बच्चों ने कल ही निकाल ली थी यूज़ करने के लिए। और ये आइसक्रीम स्पून कितनी अच्छी है, और जो भी मतलब चीज़ है ना बिल्कुल ऐसे सॉलिड है। और देखो डिज़ाइन भी कितना अच्छा बना हुआ है, गोल्ड लेयर इसके ऊपर है पूरी, खराब नहीं होने वाली भाई। मुझे ये बहुत पसंद आई, मैंने ये भी शॉपिंग की। मैं अपनी मैया रानी के लिए पूजा का नया थाल लेके आई हूँ, पीतल वगैरह के तो हम यूज़ करते ही हैं। अब मुझे ये भी अच्छा लगा, ये मैं पूजा के लिए लेके आई स्पेशल। देखो कितनी सुंदर, तो इसमें थाली है बिल्कुल अच्छी सुंदर सी। ये मुझे एक अलग सा यूनिक पीस लगा, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, देखते ही पसंद आ गया मुझे। सबसे पहले तो मैंने यही खरीदा। ये देखो इसके अंदर कितनी सुंदर ओपनिंग अभी कर रही हूँ इसकी, तो मैं ये देखो कितनी सुंदर इसके अंदर बेल है। ये देखो ये इसके अंदर एक कटोरी है भाई चावल रखने के लिए बड़ी, और एक इसके अंदर छोटी कटोरी है ये। ये ऐसे मेरा पूरा सेट बन गया पूजा का। मैं अपने भगवान जी के लिए तो अलग अलग टाइप की चीज़ें आइटम लेती रहती हूँ। बताना भाई कमेंट करके ये पूजा की थाली मेरी कैसी लगी। मुझे बहुत पसंद आई भाई, वो होती है ना राजे महाराजाओं के टाइम पे ऐसी, मतलब देख के भी मेरे को ऐसे लगा जैसे राजे महाराजाओं के टाइम पे ऐसी ट्रे चलती थी। ये मुझे अच्छी लगी, फिर मैंने ये भी ली साथ में, ऐसे हो गया ना मैचिंग मैचिंग सा। किचन के लिए, किचन के ही ऐसे आइटम खरीदने का मुझे ज़्यादा शौक है,
और कुछ डेकोरेटिव पीस खरीदने का। रख दिया भाई मैंने इसको अपने किचन में और बिल्कुल रखा हुआ भी अच्छा सा लग रहा है। अब ऊपर से कुछ इसको मैं कवर कर दूंगी ताकि ये गंदा ना हो, बिल्कुल ऐसे ज्वेलरी बॉक्स की तरह लग रहा है। अगर भाई आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।